रेडियो अंबेडकर नगर 90.4 एफएम से मैं हूं आलोक, और आज हम हैं अपर जिला जज अंबेडकर नगर विशेष न्यायाधीश SC ST रत्नेश मणि त्रिपाठी जी के साथ। और जैसा कि ज्ञात है कि 14 मई को लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए और थोड़ा सा जानकारी ये दीजिए कि किस तरीके से इसमें लोग अप्लाई कर सकें। 16 समझौते के माध्यम से, जैसे लोक अदालत में मैक्सिमम केसेस 16 समझौते के माध्यम से होते हैं जी। दोनों पक्ष बैठ के 16 कर लें, मामला निपट जाएगा, इसकी कोई अपील नहीं है जी। मतलब आप हाई कोर्ट में कोई दोनों पक्ष में से चाहे अपील करना, सुप्रीम कोर्ट में चाहे अपील करना, नहीं हो सकती, पहला कारण। दूसरा ये कि आपकी जितने पैसे लगे हैं, अगर जो आप 16 समझौते से निपटारा कर रहे हैं अपने वादों का, तो वो पैसे भी आपके वापस हो जाएंगे। ये किस तरीके से? ये आप एप्लीकेशन देंगे DLSA के पास, जो यहाँ पे एक डालसा का ऑफिस है जी। तो उसमें जिला विधिक सेवा अथॉरिटी जो है यहाँ पे, उसमें आप एप्लीकेशन देंगे, वहाँ पे एम्प्लाईज हमारे रहते हैं, वहाँ एप्लीकेशन देंगे, वो आपकी पैरवी करके सारा जितना शुल्क आपने जमा किया है वो वापस कर देंगे। तो आपको न वकील का खर्चा, न मुकदमा लड़ने का खर्चा, जो आप मुकदमा लड़ते दसों साल, वो आपके एक झटके में एक लोक अदालत में आप मिल बैठ के आप उसको सुलझा लें जी। यही प्रयास किया था अंगद ने, जब रामायण था तो यही प्रयास किया था, राम ने इसीलिए भेजा था, उन्होंने एक चौपाई लिखी थी कि रिपुसंग करही वत कही सोई, कि मतलब शत्रु के साथ ऐसी बात करो कि काज हमारो तास हित हो, मेरा काम हो जाए उसका हित नहीं हो। यही लोक अदालत है। अगर जो आप रामायण जानते हैं, महाभारत जानते हैं, तो महाभारत में श्री कृष्ण और रामायण में अंगद, ये लोक अदालत तब से शुरू हुई है जी। जी अच्छा, ये जानना था कि किस किस तरीके के मामलों का निपटारा लोक अदालत में होता है? ऐसे तो आप जान लीजिए कि जितने छोटे मामले हैं, जैसे MB एक्ट, PT ऑफेंसेस, लेकिन हमारे यहाँ ये सेक्शन 320 है, जिसमें जो कंपाउंडेबल है, जिसमें सुलह की जा सकती है, अब उसकी एक बड़ी फहरिस्त है। एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि हर मामले को आप सुलह से निपटा सकते हैं लेकिन जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं उसमें आप सुलह करेंगे, जैसे मारपीट के, किसी के घर में घुस के मारना, मारपीट कर लेना या गाली दे देना, जितने छोटे तरह के मामले हैं वो सब आप लोक अदालत से निपटा सकते हैं। बैंक के, अगर जो आपने लोन लिया हो तो बैंक वाले भी रहेंगे, या यहाँ आ जाइए, वो भी निपट जाएगा। हर तरह के मामले, फॉरेस्ट एक्ट के मामले, पुलिस एक्ट के मामले, जैसे भी मामले हों छोटे, ई चालान, जो आपके MBA के चालान हुए हैं, वो सब सारे तरह के मामले निपट जाएंगे। और इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस चले आना, कहीं नहीं आपको समझ में आए तो DLSA ऑफिस चले जाइए, वहाँ पे एम्प्लॉइज़ हैं, वो आपको सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं, सब कुछ बता देंगे जी। अच्छा, जैसे आज तक लगभग यहाँ पे लोक अदालत अम्बेडकर नगर में लगभग कितने मामलों का निपटारा अभी तक हुआ है? अभी तक तो लाखों मामलों का निपटारा हुआ है। पिछली बार जो है वो 35,531 मामले निपटाए गए। अब इस जब से लोक अदालत चल रही है तब से हम देखें तब तो कई लाख मामले निपट गए। जी जी जी। तो जैसे कि पहला जो मन में सवाल उठता होगा जो भी लोग होते होंगे कि इसमें कैसे अप्लाई करें और किस तरीके से, कहाँ पे एप्लीकेशन, पहला एप्लीकेशन देना है? आपको एप्लीकेशन भी नहीं देना है, आपको किसी तरह DLSA ऑफिस पहुंच जाना है। जो लोग DLSA ऑफिस नहीं जानते हैं, कचहरी आने का तरीका बताइए। कचहरी आप पहुंच जाइए, वहां पूछ लीजिए DLSA ऑफिस कहां है, कोई भी बता देगा, कचहरी का स्टाफ कोई भी आदमी रहे उससे आप पूछ लीजिए DLSA ऑफिस कहां है, वो बता देगा, वहां आप चले जाइए जी। जैसे कि 14 मई को अभी लोक अदालत का आयोजन हो रहा है, तो इसमें हमारे दर्शकों से कुछ और क्या अपील आप करना चाहेंगे? हम अपील यही करना चाहेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में, वाद विवाद घर पे रख के आप तरक्की नहीं कर सकते जी। तो जितने वाद विवाद आपके घर के हैं सब लेके चले आइए, हम इसीलिए बैठे हैं कि आपको वाद मुक्त करें जी। तो अधिक से अधिक जनता से मेरी यही अपील है कि वो लोक अदालत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, और ये तो वो कर ही सकते हैं, दूसरों को भी प्रेरित करें कि वो भी लोक अदालत में आए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।